everyone, I welcome you all to this new YouTube channel जिसका नाम है The Gate Ranker. आप लोग हम लोगों को join कर सकते हैं other social media platforms पे जैसे WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram सब जगह, और इस channel को आप लोग subscribe कर सकते हैं by pressing this subscribe button and then this bell icon so that you get all the notifications. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का. पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, मेरा नाम है आशीष फुटान. मैं एमटेक कर रहा था आईआईटी बॉम्बे से. मैंने बहुत सारे आईआईटीज क्रैक किए हैं, 3 बार मैं ऑलरेडी गेट क्वालिफाई कर चुका हूं, और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं जिसमें मैंने मोर देन 1000 लेसन्स पब्लिश किए हैं वेरियस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पे. तो आप लोग उन्हें भी जाके देख सकते हैं. आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं कास्टिंग के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं परमियबिलिटी. अब देखिए दोस्तों, परमियबिलिटी जो होता है ना, वो दो जगह हम लोग देख सकते हैं, ठीक है. एक होता है हम लोगों का मोल्ड, ठीक है, मोल्ड रहता है ये हम लोगों की मोल्ड कैविटी. इसके बाहर ये जो रहता है ना, यहाँ पे हम लोग जो सैंड डालते हैं, एक इसकी परमियबिलिटी होती है. एक दूसरी परमियबिलिटी होती है, वो होता है जैसे हम लोगों ने एक कैविटी लिया, ठीक है. अब हम लोग क्या चाहते हैं, जो हम लोगों का जो फाइनल कास्टिंग होगा उसके बीच में होल रहे, ठीक है, मतलब हॉलो हम लोगों को सेक्शन चाहिए, मतलब समझ लो इस टाइप का, ऐसा हम लोगों को एक सिलेंडर चाहिए, ठीक है, जिसके बीच में हम लोग का कुछ भी ना रहे, ठीक है. ये हॉलो हम लोगों को एक सिलेंडर चाहिए. तो ये कैसे आएगा, समझ लीजिए, मैं यहाँ पर अपना मोल्टन मेटल डाल रहा हूँ, ठीक है, मोल्टन मेटल डाला. अगर ये कोर यहाँ पे नहीं होगा ना, तो हम लोगों को पूरा सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा. बात आई समझ में, हम लोगों को ये पूरा सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा. पर यहीं अगर मैं अपने कास्टिंग में, ठीक है, अपने जो हॉलो कैविटी है उसके अंदर एक कोर रख लेता हूँ, ठीक है, एक कोर रख लेता हूं, तो क्या होगा, जो हम लोगों का मोल्टन मेटल है वो आएगा. सॉरी यहां समझाता हूं, देखिए ये है, ये हम लोगों का कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी है. अब यहां पे देखिए, अगर मैं चाहता हूं इस कैविटी के अंदर हम लोग एक सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंडर बना ले इस टाइप का, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार इसके अंदर एक कोर को प्लेस कर देंगे, ठीक है. ये सिलेंड्रिकल कोर रहेगा मेड अप ऑफ सैंड, ठीक है, इसमें हम लोग क्ले ऐड नहीं करते, सैंड का बनता है. आगे मैं आप लोगों को और बता दूंगा क्या क्या एडिटिव्स इसमें डाले जाते हैं. अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें मोल्टन मेटल डालूंगा तो मोल्टन मेटल हर जगह आ जाएगा एक्सेप्ट दी कोर, ठीक है, पूरा सराउंड कर लेगा. तो फाइनली जो हम लोगों को कास्टिंग मिलेगा बाई ब्रेकिंग द मोल्ड, वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है. बीच में ये हम लोगों का हॉलो रहेगा, इस कोर को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तोड़ के खींच के कैसे भी बाहर निकाल देंगे, और ये हम लोगों का पूरा मेटालिक रहेगा आउटसाइड, ठीक है, बीच में होल रह गया. अब ये पूछा जा रहा है कि इस कोर की, ठीक है, कोर जिसका काम है हॉलो सेक्शंस बनाना इनसाइड दी कैविटी, उसके अंदर परमियबिलिटी क्या होगी. पहले तो ये बात जान लीजिए कि परमियबिलिटी का काम क्या है इनसाइड दी कोर, ठीक है. तो जो मोल्टन मेटल जो हम लोगों ने डाला है ना, उसकी वजह से ना बहुत सारे गैसेस इवॉल्व होंगे. क्यों सर, कैसे गैसेस कहां से आ जाएंगे, यहां देखिए मोल्टन मेटल मैंने डाला, अब क्या हुआ, जो सैंड था उसके अंदर जो मॉइस्चर था वो सारी इवेपोरेट होने लग गए, ठीक है, अदर गैसेस जो एटमोस्फेरिक गैसेस वो सब यहां से निकलने लग गए. तो उनको निकलने के लिए जगह भी चाहिए, ठीक है, जो जनरेट हुआ है ना उनको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए थ्रू कोर, ठीक है. अब यहां समझ लीजिए, ये हम लोगों का कैविटी है, ये हम लोगों का कोर है, ठीक है. अब क्या हुआ कि यहां से हम लोगों का ये आ गया, यहां पे पूरा भर गया है. अब ये गैसेस जो इवॉल्व हो रहे हैं उनको जाना है ऊपर, ठीक है, इस साइड से ऊपर जाना है. तो ये कैसे अब ऊपर जाएंगे, इसीलिए हम लोगों को परमियबिलिटी चाहिए, ठीक है, ताकि कोर से बाहर निकल सकें गैसेस, ठीक है. हेंस हम लोगों क्या करते हैं, कोर ऐसा बनाते हैं जिसमें हाइयर परमियबिलिटी हो, ठीक है. अब इसको जानने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं परमियबिलिटी नंबर, ठीक है. ये परमियबिलिटी नंबर क्या होता है सर, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर द कोर, ठीक है, कोर के लिए कैलकुलेट करते हैं कि क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर, ठीक है, मतलब इस कोर के थ्रू
ठीक है, क्या है हम लोगों का रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर, कितनी आसानी से हम लोगों का रेट, हम लोगों का एयर यहाँ से पास हो जा रहा है, इसके रेट को हम लोग पता करते हैं बाय पासिंग थ्रू अ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लेते हैं। स्टैंडर्ड स्पेसिमेन मतलब जो हम लोगों का जो डाइमेंशंस होते हैं ना, वो एक स्टैंडर्डाइज रहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रहते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन रहता है। उसके हम लोग फ्लो कराते हैं एयर को, फिर कुछ नोट करते हैं, पूरे जो मेजरमेंट रहते हैं उसको करते हैं अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर पे, और इसके बाद जो नंबर निकलता है उसे हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी नंबर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, परमेबिलिटी नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है वी एच अपॉन पी ए टी। ठीक है, तो वी एच अपॉन पी ए टी क्या होता है सर? वी होता है वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, अब हम लोग ना यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो मैंने कोर बनाया है इसका परमेबिलिटी नंबर क्या होगा। तो हम लोग इसके थ्रू ना एयर को पास कराएंगे। ठीक है, एयर को पास कराएंगे, तो इसमें हम लोग स्टैंडर्ड रखते हैं अपने वॉल्यूम का 2000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम हम लोग पास कराते हैं। हाइट क्या रखेंगे स्पेसिमेन का? हाइट रहता है 5.08 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.08 रहेगा, और जो प्रेशर रहता है, जिस प्रेशर पे हम लोग भेजते हैं एयर को, वो होगा ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ गौर कीजिए, देखिए वॉल्यूम भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है, हाइट भी हम लोगों का सेंटीमीटर क्यूब में है, पी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, एरिया जो होगा, ठीक है, एरिया जो होगा इसका, ये हम लोगों का 20.268 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम पता चल गया, हाइट पता चल गया, प्रेशर पता चल गया, एरिया पता चल गया, और टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग टाइम लेते हैं मिनट्स में। ठीक है, मिनट्स में देखते हैं कि कितनी देर में ये हम लोगों का जो एयर है ये पास हो गया, पूरा यहाँ से पास हो गया, इस कोर से निकल गया। ठीक है, कंप्लीट एयर टू पास थ्रू दी कोर। ठीक है, जो हमारा स्पेसिमेन है उससे। अब यहाँ पे सर ये क्यों बता रहे हो? देखिए क्या होगा ना, जब आपको क्वेश्चन आएगा ना आपके गेट के एग्जामिनेशन में, उसमें दे दिया रहेगा यूनिट गलत सलत। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है सेंटीमीटर क्यूब में, और वो आपको मीटर क्यूब में दे दिया रहेगा या एमएम क्यूब में दे दिया रहेगा। गैस का प्रेशर जो है वो केजी पर मीटर स्क्वायर में दे देगा। ठीक है, गैस का जो प्रेशर है उसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे देगा, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टाइम दे देगा आपको सेकेंड में। ठीक है, ये जो हम लोगों का यूनिट है ना परमेबिलिटी नंबर, ये यूनिटलेस नहीं होता है। ठीक है, इसके एक प्रॉपर यूनिट होता है, पर हम लोगों को यूनिट का ध्यान नहीं रखना है, हम लोगों को बस ये जानना है कि कौन से यहाँ पे यूनिट हम लोगों को प्लेस करना है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में हो रहा है, सीजीएस भी नहीं, सीजीएम सिस्टम में। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेंटीमीटर डालना है, ग्राम डालना है, और मिनट्स में डालना है। ठीक है, मिनट्स में। तो यहाँ होप है आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी दोस्तों, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि कास्टिंग में आपको मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाऊँ, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी में आपको डाउट आता है तो आप बताइए, मैं आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊँगा। आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसमें रेगुलरली हम लोग जॉब के पोस्ट कुछ डालते रहते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस डालते रहते हैं, मोटिवेशनल देते रहते हैं, और बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।